रिसाली निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास का कार्य प्रगति पर है, लेकिन पैसों की किश्त की लेट लतीफी की वजह से रुआ बांदा में कई मकान अधूरे पड़े खड़े हैं। वहीं क्षेत्र के कुछ तथा कथित लोगों द्वारा मकानों की किश्त को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिनकी बातों में आकर लोगों द्वारा इन्हें रुपए दिए जा रहे हैं। इसकी शिकायत निगम आयुक्त आशीष देवांगन तक भी पहुंची, जिस पर आयुक्त द्वारा अधिकारियों को निर्देश देकर ऐसे तथा कथित लोगों पर कार्रवाई करने कहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चूंकि हमारा प्रधानमंत्री आवास में आईडी सेपरेट नहीं है भिलाई से, तो भिलाई को पैसा आता है, भिलाई आधा पैसा हमको देता है। तो भिलाई निगम से जो भी राशि मिलती है वो तत्काल हम लोग शाम तक जारी कर देते हैं। जैसे अभी पिछले एक दो दिन पहले 3 करोड़ आया था, तो उसमें से हम लोगों ने जितनी फाइलें पेंडिंग थी सब भिलाई निगम को भेज दिए वो करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। सर, रिसाली रुआ बांदा बस्ती में एक व्यक्ति है डहरिया करके, उसका कहना है कि सभी जितनी भी राशि आवंटित होगी उनके कहने पर ही होगी, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो चूँकि लोगों से 500 रुपये ले रहा है सर। वो तो ऐसा कुछ नहीं है, जो फाइलें बनती है वो तत्काल हम लोग जारी करते हैं। चूँकि सर अभी निगम क्षेत्र में कितने सर मकान बन रहे हैं? लगभग लगभग 1347 मकान है, जो अभी 700 की नई स्वीकृति आई है। पुराने तो केवल 50 या 60 बाकी है, वो विभिन्न पट्टों के कारणों से रुके हुए, और अभी जितने भी आई हैं सभी के पास किस्ते में राशि चली गई।